हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप लोग यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव रोहित पर, मैं हूँ रोहित। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो अब आज परसेंटेज फ्रैक्शन को हम लोग कैसे परसेंट में कन्वर्ट करते हैं वही चीज़ सीखने वाले, ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग बोर्ड पर ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो अगले सामने इस तरह आप लोगों को फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो 1/4 आप लोग, 3/4, 1/5, 3/5, 4/7, 5/7, 5/6, तो इस तरह आप लोग को फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो बोले कैसे आप लोग को इसको परसेंट परसेंट में ला कन्वर्ट करोगे, तो देखना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग करना एक बात, आप लोग हमेशा याद रखना दोस्तों, जब भी आप लोग फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो जब भी आप लोग फ्रैक्शन को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना, आप लोग 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। वही फ्रैक्शन प्रतिशत में बदल जाएगा, ठीक है। तो करना क्या, देखना। तो 1/4 का आप लोग परसेंट में पता है दोस्तों कितना होता है दोस्तों, 1/4 नहीं पता तो आप लोग पता भी कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना, आप 100 से गुणा करना। तो जब काटोगे कितना काटोगे दोस्तों, 25 बार काटेंगे, तो कितना होगा, 25% होगा, ठीक है दोस्तों। कितना परसेंट होगा दोस्तों, 25% होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग करना। 3/4, 3/4 आपको परसेंट मिले कितना होगा, 3/4 आप लोग पता है दोस्तों। 1/4 आपको कितना होगा दोस्तों, 1/4 है 25%, तो 3/4 आप लोग पता करना, तो कितना परसेंट होगा दोस्तों। तो 100% से गुणा करना, तो 100% से गुणा करके कितना होगा दोस्तों, कटोगे कितना, 25 बार कटेगा तो कितना होगा, 25 या 75 होगा या नहीं होगा, तो 75% होगा या नहीं होगा, होगा। तो इस तरह से आप लोग करना, बहुत ईजी दोस्तों। 1/5 आप लोग पता है दोस्तों, 1/5, और भी वैल्यू आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1/5 आप लोग पता है दोस्तों कितना होगा दोस्तों, 1/5 आपको पता नहीं तो क्या करना, आप लोग 100% से गुणा करना, तो कितना होगा दोस्तों। तो जब काटोगे कितना होगा, 20% होगा या नहीं होगा, होगा। तो इस तरफ से आप लोग करना, ठीक है। तो 3/5 कितना कितना दोस्तों, 3/5 आप लोग पता है दोस्तों, तो 3/5 आप लोग भी पता करना, ठीक है दोस्तों। जब काटोगे कितना होगा दोस्तों, होगा तो कितना बार कटेगा दोस्तों, 20 बार कटेगा तो कितना होगा, 60% होगा कि नहीं होगा। तो इस तरफ से आप लोग करना, बहुत ईजी है दोस्तों। तो आप लोग एक बात हमेशा देखना, ठीक है दोस्तों। पहले 4/7 आप लोग, पहले 1/7 आप लोग पता करना चाहिए। तो 1/7 कितना दोस्तों होगा दोस्तों, 1/7 होता है 14 से 2/7% होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग 4/7 जाना, तो आप लोग 4/7 जाने के लिए करना पड़ेगा दोस्तों। तो 1/7 आप लोग पता है दोस्तों, 1/7 आप लोग को होता है दोस्तों कितना, 1/7 14 से 2/7% होता है। तो 1/7 1/5 जाना, तो ठीक दोस्तों। तो 5/7 जाना, तो कितना क्या करना होगा दोस्तों, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना, तो उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आप लोगों को दोनों तरीका से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोग बोर्ड पर बने रहते हैं। मैं जैसे आप लोगों को जिस मर्जी आप लोग मर्जी होगा उस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो उसमें आप लोग क्या करना था, 5 से मल्टीप्लाई करना कितना होगा, 5/7 होगा ना, तो उसमें होगा ना, तो 5/7, सॉरी पहले क्या क्या करना, 4/7, सॉरी पहले इसको पढ़ना, ठीक है दोस्तों, ताकि फिर आप बोलो 5/7 बनाना, ठीक है। तो उसमें 4 मल्टीप्लाई करना, तो उसमें भी 4 मल्टीप्लाई करना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा दोस्तों। तो उसमें जब 4 से मल्टीप्लाई कितना कितना होगा दोस्तों, जब उसमें 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा दोस्तों, 14 कितना, 56 हो रहा दोस्तों, हो रहा है नहीं हो रहा। तो क्या करना, उसमें उसमें 4 मल्टीप्लाई करना, तो कितना 4 होगा, 4/7 होगा ना, होगा। तो कितना 14 4 56 हो रहा दोस्तों, 56, तो कितना उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 8 होगा ना दोस्तों, 8 से 7/8 होगा, नहीं होगा, परसेंट होगा ना, होगा, होगा। तो इस तरफ से आप लोग करना, तो करोगे देखना। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से बड़ा होगा, तब आप लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो अब आप लोग डिवाइड करते हो, डिवाइड कैसे डिवाइड करो देखना, 56 प्लस क्या करना, 7, कितना बार डिवाइड होगा, एक बार होगा कि नहीं, तो 7 एकम 7 कितना बचा दोस्तों, 1 बचा 7 एकम 7 8 हो रहा है, होगा, होगा। तो कितना होगा, तो जब उसे सॉल्व किया कितना होगा, तो 56 कितना, 57 से 1/7% होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इसका फ्रैक्शन, इसका वैल्यू कितना दोस्तों, इसका इतना, ठीक है, कितना होगा, 57 से 1/7% होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, उसका वैल्यू आप लोग पता करना। तो कैसे पता करना देखना, उस तरफ से आप लोग पता करना, ठीक दोस्तों। तो क्या करना देखना, ठीक है, तो उसको क्या करना देखना, ठीक है। तो अब क्या करना आप लोग, उसमें 5 जाना, तो 5 जाने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसमें उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना, तो उसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा। तो उस क्या होगा उसका फ्रैक्शन में, तो उसे जब मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों, तो 5/7 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो उसको उसको मल्टीप्लाई कर कितना होगा, 14/5 कितना, 70 70, और कितना, 5 × 10 कितना, 7 से 10/7% होगा कि नहीं होगा, होगा। तो इस तरफ से आप, फिर आप लोग एक बार हमेशा याद रखना, जब आप लोग ऊपर वाला वैल्यू छोटा नहीं होगा, तब तक आप लोग क्या करना, आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब डिवाइड करो कितना होगा, तो 70 प्लस क्या करना, उसको 7 बार कितना होगा, 7 एकम 7 7 3 को 10, तो कितना होगा दोस्तों, तो इतना हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा। तो जब उसे सॉल्व करो कितना होगा, तो 71 3/7% आप लोग आंसर होगा। तो इसका इसका वैल्यू कितना दोस्तों, इसका 5/7 का फ्रैक्शन कितना दोस्तों, 71 से 3/7% आप लोग आंसर, ठीक दोस्तों। इस तरफ से आप लोग करना, ठीक है, उसका देखना आप लोग।
तो 5/6 का, 5/6 का आप लोग पता करना। तो आप लोग एक बात पता ना दोस्तों, तो 5/6 आप, तो 1/6 आप लोग पता है दोस्तों कितना होता था, 16 से 2/3% होता ही नहीं होता है, 16 से 2/3% होता है ना दोस्तों, होता है। तो आप लोग 5 तक जाना, तो 5 तक जाना तो उसमें मल्टीप्लाई 5 करो, तो उसमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना दोस्तों, करना पड़ेगा। तो जब उसमें 5 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 5/6 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कितना, 16 × 5 कितना 80 हो रहा है दोस्तों, 5 × 2 = 10 हो रहा है दोस्तों, 10/3। तो क्या करना आप लोग, जब भी आप लोग ऊपर वाला वैल्यू, नीचे वाला वैल्यू से छोटा नहीं होगा तब तक आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो करना ही देना, तो सो क्या करना आप लोग, 80 + क्या करना, 3 × 3 = 9, 9 होगा कि नहीं होगा, तो कितना बचा, 1 बचा ना दोस्तों, तो कितना 3 से 3/1 होगा नहीं होगा। तो जब उससे सॉल्व करना, 83 से 1/3% होगा कि नहीं होगा, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना, इसका परसेंट वैल्यू कितना दोस्तों, 83 से 1/3% होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग करना, ठीक है दोस्तों। तो उसे करने का और भी तरीका दोस्तों, उसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। उसको आप लोग क्या करना, आप लोग उसको 100 मान के भी कर सकते हैं, तो देखना, ठीक दोस्तों। तो 5/6, तो उसको 100 भी मान के कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो 100 सब जब गुणा करो कितना होगा, तो 500 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों। और कितना, तो इसे काटोगे कितना, 2 से काटोगे कितना बार कटेगा, 2 से काटोगे 3 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। और 2 से काटोगे कितना बार कटेगा, 2 × 2 = 4, तो कितना 250 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा, कटेगा ना दोस्तों, कटेगा। तो जब उसे सॉल्व करो कितना होगा दोस्तों, तो जब उसे सॉल्व करो कितना होगा, तो कितना 250/3, तो जब उसे सॉल्व करो कितना होगा, तो 3 × 8 = 24 है दोस्तों, 3 × 8 = 24 कितना बचा दोस्तों, 3 × 8 = 24 कितना बचा है, 10 1 बचा ना दोस्तों, 3 × 8 = 24, तो 3 कितना, 3 × 3 = 9 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है। तो कितना बचा है, 1 बचा ना दोस्तों। तो इस तरफ से भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे आप लोग मर्जी उसी तरफ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो और सामने और भी वैल्यू लगे आ रहा है दोस्तों, आप लोग बोर्ड पर फोकस कीजिए, ठीक है। तो बोले दूसरा फ्रैक्शन दोस्तों, तो 1/8 का आप लोग पता करना, 1/8, 3/8, तो ठीक है दोस्तों, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8। तो इस तरह से आप लोग कैसे पता करना, तो आप लोग एक बात बताएं दोस्तों, 1/8 कितना परसेंट होता है दोस्तों, 12.5% होता है कि नहीं होता है, होता है ना दोस्तों, कितना दोस्तों, 12.5% होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग पता भी नहीं, पता भी कर लेना, ठीक दोस्तों। तो क्या करना आप लोग, उसमें 100 मल्टीप्लाई करना, ठीक दोस्तों, 100 मल्टीप्लाई करके कितना होगा दोस्तों, तो करना देखना। तो जब मल्टीप्लाई कितना होगा, तो 100/8 होगा कि नहीं होगा, होगा दोस्तों, होगा कि नहीं होगा, होगा। तो जब उसे काटोगे कितना कटेगा दोस्तों, इधर से 4 से काटोगे कितना, 25 बार कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा। और 4 से काटोगे कितना बार कटेगा, 2 बार कटेगा, नहीं कटेगा, तो कितना 25/2 हो रहा है दोस्तों। तो जब सॉल्व कितना होगा, तो कितना 12 × 2 = 24 हो रहा है दोस्तों, तो कितना 1 बचा दोस्तों, तो कितना 12 से 1/2% हो रहा है कि नहीं हो रहा, 12.5% हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। उसे करने का और भी तरीका दोस्तों, उसको आप लोग परसेंट में फ्रैक्शन में कैसे लगाओगे, वो भी सीखा सकते हैं दोस्तों। तो उसको क्या करना आप लोग, उसको दोनों मल्टीप्लाई करना, तो 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा दोस्तों, 24 होगा, उसमें कितना, कितना 24 और कितना 25 हो रहा है, हो रहा, हो रहा। उसको फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना, 100 से भाग देना पड़ेगा, ठीक दोस्तों। तो कितना 2 होगा दोस्तों, तो 100 से भाग दोगे कितना होगा दोस्तों, 100 से भाग देना, तो कितना 25 से 25 = 100, तो 1/8 हो रहा है दोस्तों, इधर से आता है 1/8, और उस उधर से आप लोग आता है 12.5%, ठीक दोस्तों। इस तरह से आप लोग करना, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप लोग करना, ठीक है दोस्तों। तो 3/8 आप लोग कितना होगा दोस्तों, 3/8 कितना परसेंट होगा, 37.5% होता है, ठीक दोस्तों। कितना परसेंट होता है, तो 37.5% होता है, 37.5% होता है। 5/8 कितना दोस्तों, 62.5% होता है दोस्तों, कितना दोस्तों, 62.5% होता है। और 7/8 कितना दोस्तों, 87.5% होता है, ठीक दोस्तों। इस तरह से आप लोग याद करना है, इसके कैसे आया वही भी सीखा नहीं बैठे देखो ना, ताकि मुझे याद है। तो दोस्तों इसी वजह से आप लोग को इतना लिखना पड़ता है, नहीं तो आप लोग भी कर पाओगे, ठीक दोस्तों। देखना, तो 1/8 आप लोग को पता है दोस्तों, 12.5% होता है, तो 3/8 आप लोग जाना, ठीक दोस्तों। तो देखना उधर में लिख देता हूँ ताकि पता चले, ठीक दोस्तों। तो 3/8 जाना है, तो 1/8 आप लोग पता है दोस्तों, 1/8 आप लोग को पता है कितना दोस्तों, 12.5% होता है, ठीक है, 12.5% होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आप लोग 3 जाना, उसमें 3 मल्टीप्लाई करना, तो उसमें भी 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कितना होगा दोस्तों, तो 12 × 3 = 36 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 12 × 3 = 36 और 3 × 1 = 2। तो मैंने एक बात आपसे हमेशा कहा है, जब भी ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला वैल्यू से बड़ा होगा तब आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो उसे जब डिवाइड करके कितना होगा, 36 + क्या होगा, 2 × 1 = 2 कितना बचा, 1 बचा ना दोस्तों, कितना 2 होगा 2 × 1 = 2 = 3 हो रहा है नहीं हो रहा, होगा। तो कितना 37 1/2% होगा ही नहीं होगा। तो इस तरफ से आप लोग कर सकते हैं, तो कितना परसेंट होगा दोस्तों, 3/8 का कितना परसेंट होगा, 37.5% हो रहा ही नहीं हो रहा, हो रहा है ना दोस्तों। इस तरफ से आप लोग करना, उसको करना, ठीक दोस्तों। उसे करने का देखना, तो 5/8 का पता करना, तो 5/8 पता करना, 1/8 आप लोग पता है दोस्तों, 1/8 आप लोग कितना होता है, 12.5% होता है कि नहीं होता है, होता है ना दोस्तों, 12.5% हो रहा है कि नहीं हो रहा, 12.5% हो रहा है। तो अगर 5 जाना, तो अगर 5 तक जाना, तो क्या करना, उसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, तो उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा दोस्तों, करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो जब उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना, 12 × 5 = 60 हो रहा है दोस्तों, तो 5 × 5 हो रहा है दोस्तों,
तो कितना होगा, तो दो होगा ना दोस्तों। तो फिर आप लोग एक बात हमेशा, मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, जब भी नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू से बड़ा होगा तब आप लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो जब तक इसको छोटा नहीं होगा तब तक आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो 60 प्लस क्या करना, दो दुना चार होगा ना होगा, तो कितना एक बचा ना दोस्तों, तो कितना, तो सोच जब सॉल्व कितना होगा, 62 प्लस 62 62 से 2/62% हो रहा है ना हो रहा है, तो इस तरफ से भी आप लोग कर सकते हैं। कितना 5/8 का कितना परसेंट होगा दोस्तों, इतना परसेंट होगा कि नहीं होगा, होगा तो हो रहा है ना दोस्तों, हो रहा है, तो इस तरफ से आप लोग करना, उसे करना, ठीक दोस्तों, उसे भी मैं आप लोग सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखना, तो 1/7 1/8 पता है दोस्तों आप लोग को, 1/8 आप लोग कितना होता है, होता है 12.5% होता है कि नहीं होता है, होता है। तो 1/8 आप लोग 12.5% हो रहा है दोस्तों, 1/8 12.5% हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो आप लोग किस तक जब जाना है दोस्तों, आप लोग को 7 तक जाना, तो इसमें 7 मल्टीप्लाई कर दो, उसमें भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो कितना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा दोस्तों। तो जब 7 मल्टीप्लाई कितना होगा, 1284 हो रहा है दोस्तों, 784 हो रहा है दोस्तों, कितना 84 हो रहा है, तो उसमें कितना होगा, 7 × 7 तो कितना होगा दोस्तों, तो कितना होगा दोस्तों, तो कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आप लोग क्या करना, उसको भाग देना फिर, ठीक दोस्तों। तो 84 प्लस क्या करना, 2 × 3 = 6 हो रहा कि नहीं हो रहा, तो कितना एक बचा दोस्तों। तो जब सॉल्व करते हैं कितना होगा, 87 87.5% हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा, तो इधर से आता है, ठीक दोस्तों, इस तरफ से आप लोग करना, तो इसको देखना, ठीक दोस्तों। तो 1/9 आप लोग पता करना, ठीक है, इस तरफ से आप लोग करना, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको देखना, ठीक दोस्तों। तो इसको 1/9% कितना परसेंट होता था, 11 से 1/9% होता कि नहीं होता, होता है ना दोस्तों। तो इसका 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 वैल्यू कितना होता था, तो 11 से 1/9% हो रहा कि नहीं हो रहा, हो रहा है। तो उसको आप लोग जाना, तो किस क्या करना बोले उसको, तो क्या करना बोले उसको, उसको गिना, 1/9 आप लोग पता है दोस्तों कितना होता था, 11 से 1/9% हो रहा कि नहीं हो रहा है, हो रहा है दोस्तों। तो उसमें दो जाना, तो दो उसमें उसमें मल्टीप्लाई करना, तो उसमें भी दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 11 × 2 = 22, 2/9% होगा कि नहीं होगा, तो इसका वैल्यू कितना, ठीक दोस्तों। तो इसका वैल्यू कितना आप लोग पता करना, तो इसका वैल्यू पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना उसमें क्या करना, उसमें 4 मल्टीप्लाई करो, तो उसमें भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो कितना होगा, 44 से 4/9% होगा कि नहीं होगा, होगा, तो इस तरफ से आप लोग करना। उसको करना 55 से 5/9% होगा, उसको करना 77 से 7/9% होगा, तो इस तरफ से आप लोग करना, ठीक है दोस्तों। अब लोग इसका 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 इसका, ठीक है, इस तरफ से आप लोग करना, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्लास यहाँ पर, तो दोस्तों ताकि ज़्यादा टाइम होगा फिर अपलोड करने में वीडियो थोड़ा दिक्कत रहेगा, ठीक है। फिर आज भी तबीयत ठीक नहीं दोस्तों, फिर भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रयास करता हूँ, आज वीडियो डालना थोड़ा लेट होगा इसी वजह से, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय, ठीक है।